तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने बालों पे किस तरीके से कलर करती हूँ घर पे, और कौन सी प्रोडक्ट जो है वो मैं यूज़ करती हूँ जो मेरे लिए रीज़नेबल प्राइस में भी मुझे मिल जाए और मैं आराम से जो है वो घर पर कलर भी कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आप आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने बालों पे किस तरीके से कलर करती हूँ घर पे, और कौन सी प्रोडक्ट जो है वो मैं यूज़ करती हूँ जो मेरे लिए रीज़नेबल प्राइस में भी मुझे मिल जाए और मैं आराम से जो है वो घर पर कलर भी कर लूँ। तो वैसे तो आप सैलून में भी करवा सकते हो, लेकिन सैलून में जो है ना बहुत ज़्यादा आजकल तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव उन्होंने कर दिया कलर हेयर डाई जो है, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो घर पर आप इजीली कैसे करेंगे विदाउट एनी कट डाउन, विदाउट एनी ब्लीच, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बस इससे पहले जो है ना वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकॉन पर प्रेस करना है ताकि आपको आने वाली सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहें। तो फिर जल्दी से हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ना वो है रेवलॉन की। रेवलॉन का जो हेयर कलर है वो बहुत अच्छा है। इससे एक तो आपके बाल जो है ना वो अकड़ते नहीं है। मैंने इससे पहले भी दो प्रोडक्ट्स यूज़ करी थी तो मेरे बालों का जो टेक्सचर है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। फिर मुझे ये किसी ने बताया था मेरे रेवलॉन के कलर बहुत अच्छे होते हैं, तो फिर मैंने ये वाला लिया था। 2 से 3 बार मैं इसे लगा चुकी हूँ, मेरे बाल बिल्कुल वैसे ही सॉफ्ट रहते हैं। अच्छा, इसमें जो है ना आपके सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि आपने इसको किस तरीके से लगाना है। अच्छा, तो मेरा जो शेड है ना रेवलॉन कलर में वो है ब्राउन ब्लैक, ठीक है। और हमेशा आपको जो कलर चूज़ करना चाहिए ना वो अपने कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से करना चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ता है। हमेशा कलर हमेशा कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से लेना। मेरा कॉम्प्लेक्शन सांवला है तो मुझे लगता है कि डार्क कलर मुझ पर ज़्यादा सूट करेंगे बनस्बत लाइट कलर के, तो इसलिए मैंने ब्राउन ब्लैक ही लिया है। तो अच्छा, तो इस बॉक्स के अंदर जो जो चीज़ें अवेलेबल है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक हमारी जो है रेवलॉन कलर सिल्क का डेवलपर है ये, ठीक है, बॉटल में है। और ये है इसका, ये हमारे पास इसका दूसरी बॉटल है, ठीक है, रेवलॉन कलर सिल्क की। और सेकेंड हमारे पास इसकी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है सारी, जिस तरीके से आपने फॉलो करना है इसको। और एक और इसमें साशे में जो है ना इसका कंडीशनर मौजूद है जो कि हम बाल वॉश करने के बाद अप्लाई करेंगे। और सेकेंड एक और ज़रूरी बात ये कि जब भी आप कलर अप्लाई करें ना अपने बालों पे, तो हमेशा जो है ना 1 से 2 दिन पहले अपने बाल जो है वो वॉश कर लें, उसके बाद फिर आपने कलर जो है वो अप्लाई करना है बालों में। इससे एक तो बालों में कलर आपका बहुत अच्छा आता है, और बाल कलर करने के बाद शैम्पू नहीं करना है। अच्छा, किसी पेपर के अंदर ना आपको ग्लव्स भी दिए हुए होते हैं, और ये इसके ग्लव्स हैं। ये ग्लव्स पहन के जो है ना हम फिर कलर अप्लाई करेंगे। ये इसके ग्लव्स हैं। ये दोनों ग्लव्स इसके दिए हैं। अब हम जो है कलर बनाते हैं और अप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी जो है ना मैं हाफ बॉटल लूँगी और हाफ बॉटल क्रीम की लूँगी, क्योंकि जो है ना मुझे अपने जितने मेरे बाल हैं उसके हिसाब से, क्योंकि मेरे बाल इतने घने नहीं हैं तो मेरे बालों में जो ना क्रीम बच जाएगी, ये मुझे पता है। मुझे आधी ही चाहिए, ये हाफ बॉटल मैंने लिया है, ठीक है। और इस क्रीम का भी जो है ना मैं हाफ बॉटल ले लूँ। अच्छा, इसको आपने अच्छी तरीके से जो है ना मिक्स कर लिया। अच्छा, तो जब आपका कलर मिक्स हो जाएगा ना अच्छी तरीके से, कलर मिक्स करके ना थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए छोड़ देगा ताकि वो अच्छा सा कलर उसका जो है ना वो निकल के आ जाए, मतलब वो अच्छे से मिक्स हो जाए। देन आपने अपने बालों में कॉम करना है, उन्हें टेंगल फ्री करना है और 4 हिस्सों में जो है ना तकसीम कर लेना है, 4 पोर्शंस इसके कर लेना है। और उसके बाद ऐसा ऐसा करके एक पोर्शन आप खोलेंगे और उसके बाद आप कलर अप्लाई करना शुरू करेंगे।
अच्छा, सेकेंड ये कि आपने इस चीज़ का खास तौर पे ख्याल रखना है कि जब आप कलर लगा रहे हो ना, तो आप 2 या 3 सेंटीमीटर बालों के नीचे से लगाना शुरू करोगे। स्कैल्प पे बिल्कुल भी आपका कलर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसमें केमिकल्स मौजूद होते हैं जो आपके स्कैल्प को भी डैमेज कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने जो है ना वो सारे बालों में कलर जो है ना वो अप्लाई कर लिया है, जहाँ जहाँ पर मेरी रूट्स जो है ना वो वाइट हो रही थी, सही पीछे तक अप्लाई कर लिया। अब जो कलर बच गया ना वो मैं आगे यहाँ पर अप्लाई करूँगी सारा, वो मैं हाथ से ही अप्लाई करूँगी। हाथ से ज़्यादा अच्छा अप्लाई होता है। कलर मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर क्या करना है, बाल फोल्ड करके और ये एक शॉपर जो है ना वो आपने चढ़ा लेनी है 40 मिनट्स तक। 40 मिनट्स तक आप इसको रखोगे। अच्छा, इस पे ना सारी आपकी इंस्ट्रक्शंस जो है वो लिखी हुई है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अगर आपने नॉर्मल अपना हेयर कलर लेकर आना है तो 25 मिनट्स आप इसको रखोगे, और अगर ज़्यादा ग्रे हेयर है तो 5 मिनट मज़ीद और रखोगे, यानी टोटल 30 मिनट्स। और अगर आपने ब्राउन शेड्स की तरफ जाना है और इसको ज़्यादा देर रखना है, कलर और इन्हांस करना है, तो आपने इसको रखना है 30 मिनट्स। और अगर ज़्यादा हेयर ग्रे हैं तो 10 मिनट्स मज़ीद और रखना, यानी टोटल 40 मिनट्स रखना है। तो जी, 40 मिनट्स जो हैं वो हो गए हैं। अब मैं अपने बाल वॉश करने जा रही हूँ। शैम्पू नहीं करना आपने, सिर्फ पानी से बाल धोने हैं। और बाल वॉश करने के बाद आपने कंडीशनर अप्लाई करना है, इसको अच्छे से मसाज करना है और 2 मिनट तक छोड़ना है, देन फिर बाल वॉश करना है। अच्छा, मज़े की बात, मैंने पूरी वीडियो बना ली और आपको प्राइस बताना भूल गई कि इस कलर की प्राइस क्या है। रेवलॉन की, रेवलॉन का जो कलर है इसकी जस्ट प्राइस जो है ना ₹450 है। और तो बाल जो है वो मैं वॉश करके आ गई हूँ और ये मेरा कलर आया है बालों का। अच्छा, अभी आपको ब्लैक लग रहे होंगे, मैं धूप में जाके दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे कलर जो है ना बालों का वो डार्क है, ब्लैक कलर है ना, तो ब्लैक पे ब्लैक ब्राउन जो है वो हल्का सा ब्राउन शेड आता है, ज़्यादा कलर जो है ना वो इन्हेंस नहीं होता, धूप में पता चलता है। तो बेसिकली मेरे बालों में जो ना वो ये कलर आया है, ब्लैक ब्राउन। और अभी जब मैं कल बाल शैम्पू करूँगी ना तो और ज़्यादा कलर आपका पता चलेगा, अभी इस तरीके से आया है और मुझे जो है ना यही कलर चाहिए था। तो भाई, ये थी आज की वीडियो कि आप लोग घर में किस तरीके से हेयर डाई कर सकते हैं आसानी से, और कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अच्छी हैं और रीज़नेबल प्राइस में आपको आराम से मिल जाएंगी हर जगह से। तो आज की वीडियो आई होप कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, बेल आइकॉन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। बहुत सारी दुआओं से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।